आऊंगी और अपनी मम्मी के बिना रहूंगी। ये बेचारा अभी भी पैदा हुआ है, कितने महीने का है? इन सबके पेट में कोई बच्चा है क्या जो फूला फूला है? तो हे गाइस, वेलकम बैक रेखा खत्री व्लॉग। तो गाइस, आज हम एक न्यू व्लॉग लेके आ गए आपके लिए, स्पेशल फॉर यू। तो हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं बता? अभी तो मेट्रो जा रहे हैं, अभी मेट्रो जा रहे हैं। और देखो, एक चीज दिखाती हूँ आपको, इसको देखो, ये पूरा सामान उठाएगी हम लोगों का। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं बहुत दूर दिल्ली से और अपने घर वालों से। मैं तो पहली बार जा रही हूँ, इसका पता नहीं। तो व्लॉग में बने रहो, देखो हम कैसे इंजॉय करते हैं और कैसे मस्ती करते हैं। ओके, तो गाइस अब हमारा सफर होता है शुरू। स्वाति, स्वाति, अब हमारा सफर होता है शुरू। देखो गाइस, कैसे सामान पटक रखे हम लोगों ने और हम जा रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अपने घर से पहले बार इतने दूर जाऊँगी और अपनी मम्मी के बिना रहूँगी। तो देखते हैं, उनके बिना भी मज़ा आता है नहीं आता, पर एक्साइटेड हूँ बहुत, क्योंकि पहली बार किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ इतने दूर। हाँ, ये बात तो है, अगर हम कहीं और रहते हैं ना तो हम सपना देखते रहते कि हम कहीं जाएंगे जाएंगे। पर यार, पर देख, बिना सोचे समझे जो भी होता है ना, बिना सोचे समझे ही होता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बोलना चाहती हूँ। तो वहाँ पे जो जो करेंगे ना, हम सब दिखाएंगे आप लोग, प्लीज पूरी वीडियो देखना। अब जितने दिन हम वहाँ रहेंगे ना, वो ब्लॉगिंग आएगी, सारे दिन के ब्लॉग आएंगे। और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि ब्लॉग में टाइम पे पोस्ट करता हूँ, क्योंकि एडिट करने में कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाते हैं ब्लॉगिंग वगैरह। तो देखते हैं अब मैं आकाश को देख क्या करता है। आकाश खान बेचारा दूसरे कार में बैठ गया, हमें छोड़ने जा रहा था, वो कहीं और ही चला, जाम लग गया था उसकी वजह से। यार देखो गाइस, मेरे फेस पे स्माइल इतनी आ रही है क्योंकि मुझे घूमने जा रही हूँ मैं। तो हम व्लॉगिंग में मस्ती करेंगे, बिल्कुल जैसे हमें वैसे दिखाएंगे, कुछ ओवर एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाले। जैसे क्या क्या हो गया भाई, से डरा रही है मुझे ओए बोल के। तो देखते रहो, मैं पूरी थक चुकी हूँ यार, मुझे लगा था एंजॉय करेंगे, मैं थक गई हूँ, थक गई मेट्रो से। यहाँ कार पूरा सर घूम चुका है मेरा, पता है रेलगाड़ी में क्या हालत होगी भाई। और हम आ चुके हैं मेट्रो नहीं, हम मेट्रो से उतर के आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। देखो रेलवे स्टेशन कहते हैं, रेलगाड़ी देखो, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और भीड़ देख सकते हो आप लोग कितना ज्यादा है, मुझे बीपी हाई हो रहा है। चल मैं तेरे को नमक पिलाती हूँ, रुक जा। तो गाइस चलो आगे, थोड़ा स्ट्रगल है, फिर ट्रेन पे बैठेंगे आराम से। तो गाइस फाइनली हम रेलगाड़ी में बैठ चुके हैं, और पता नहीं एक आंटी हमारे साथ आके बैठ गई है, कुछ ना कुछ बोले जा रही है, मैं जानती नहीं हूँ। देखो देखो, हमें गाइस जानती नहीं है, पता नहीं, फिर भी हमसे आके बातें कर रही है बेफालतू में। देखो आंटी, कुछ बोलना चाहोगे? हेलो, बोल दो, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। अरे ये लोग आपको बहुत गाली दे रहा है, देखिए। चल झूठा, आपको पता है ना गाइस, मैं गाली नहीं देती बिल्कुल भी। आपको लगता है इतने बड़े इंसान को मैं गाली दे सकती हूँ? इंसान तब तो गाली दे रहा है, जानवर। हम क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन या रेलगाड़ी कहते हैं? रेल ट्रेन, हाँ ट्रेन, सॉरी। तो गाइस जैसे कि हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, मैं और स्वाति, और जहाँ जाना है अभी उसमें पूरा एक दिन लगेगा, तो लोकेशन में पहुँच, रात भर में पहुँच जाएंगे। तो उस लोकेशन में पहुँच कर मैं आपको क्या करती हूँ, कॉल करूँगी। तो गाइस अब हम बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, तो अब हम ऐसे लेट गए हैं और मेरा मुंह बिल्कुल नहीं दुख रहा, क्योंकि देखो बिल्कुल ज़्यादा इतनी सन, इतनी सुंदर क्वालिटी आ रही है। तो अभी हम बैठ चुके हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है हमें पहुँचने में, मेरी आवाज़ भी आ रही होगी उनके पास, पक्का आ रही होगी। तो कोई शूट करने के लिए रील्स भी नहीं है गाइस हमारा, हम ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं शूट अभी फिलहाल के लिए। देखो भाई, अब हम सीधा रात को मिलेंगे आपको, अभी हम जा रहे थोड़ी देर सोने। ठीक है, सो रही है वैसे? चलो गाइस हम जा रहे सो, टाटा। मैं बंद करूँ इसको? देखो ये मेरे पैर के नीचे सो रही है, देखो। तो मेरे पैर के साथ सो रही है। कितनी चालू है, देखो अपनी लाइट तो इतने अच्छे से कर ली, और मेरी बारी आई तो पूरा मुंह सड़ा दिया मेरा। देखो मैं यहाँ पे सो रही है, मेरे नीचे आ गए।
तो अभी हम सोने जा रहे हैं, अब देखते कब तक पहुंचते उस लोकेशन में, पहुंच के फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलो गुड नाइट टाटा, घर पहुंच के, सॉरी घर पहुंच के दिखाएंगे, ठीक है? तो टाटा बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, टाइम क्या हो रहा है स्वाति? 7 बजे, सुबह के 7 बज चुके हैं और हम उठ चुके हैं। रात में जल्दी सो गई थी पहली बार लाइफ में। तो अभी हम 1 बजे तक पहुंचेंगे, अभी बहुत टाइम है, सुबह के 7 बजे हैं। पहली बार इतनी सुबह भी उठ गई मैं, इसको देखो ये हुआ है, ये देखो देखो इसको देखो। मुंह देखो इसका। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जैसे सुबह का सबका रूटीन होता है फेस वॉश और कोलगेट, तो वो ही मैं करने जा रही हूँ, फेस वॉश और कोलगेट। तो आपको दिखा रही थी मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ और कैसे अपनी दांत मांजती हूँ, देखो। व्लॉग नहीं बन रहा है, बजा कैसे बजाते हैं सीटी? किसने सिखाया है सीटी बजाना? मामा सिखाते हैं, और कुछ नहीं आता सीटी के अलावा? ये आता है, ये बजा, नहीं सीटी बजा तो वापस। तू बजाइए साथी ये वाली सीटी, ट्राई करने एक बार, नॉर्मल सीटी भी आती है, मैं वी वाली ट्राई करना सुन मुंह करके। जैसे कि हम ट्रेन से उतर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे मैं पहुंचना था, अभी थोड़ा सा दूर और है, हमें कहाँ से जाना पड़ेगा, वो बस से यार मेरे गिर गया पकड़ से, मेरी हालत गाइस और डाउन होने वाली है बस से तो और ज्यादा, देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा बस से। उल्टी कर, उल्टी उल्टी ना कर, तू बस इस चीज़ का डर है कि बस में मुझे चक्कर बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। कहाँ से अभी यार, अभी इसके ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा इसको लेके। चलो गाइस मिलते हैं फिर बस में। तो फाइनली गाइस हम गांव में पहुंच गए। तो गाइस इसे देखो जरा, ये बेचारा अभी अभी पैदा हुआ है, कितने महीने का है? सॉरी 10 दिन का है। और देखो कितनी प्यारी प्यारी बकरियां हैं इधर, देखो गाइस कैसे कर दिया, करियो फिर से मैं। तो जैसे कि हम पहुंच चुके हैं पूरे के पूरे गांव में और मेरा हालत हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब, मुंह से ही पता चल रहा होगा क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा धूप में थे और मुझे प्यारी प्यारी सी बकरियाँ मिली हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी, देखो नंगा बच्चे का एक थोड़ा सा बड़ा बकरा मिला है, टच करने भी देगा ये नहीं पता, ये लो भाग गया। इन सब के पेट में कोई बच्चा है क्या जो फूला फूला है? यहाँ के सारी बकरियाँ प्रेग्नेंट है गाइस। ओ भाई देखो, अच्छा एक ये भी साइकिल चला रही है, अरे एक ये भी ऐसे तो नहीं होता है। अभी अभी कुछ बोला था ना रेखा, इसे टट्टी लग गया क्या हाथ में? गजब बेइज्जती है क्या ये? नहीं, मैं इसलिए गिरी, रेत था इधर, वरना मैं गिरती नहीं हूँ, चल हट। अभी कितना प्यार था, वो हैंडल उल्टा हो गया तेरा। इसी वजह से तो नहीं गिरी मैं कहीं। मुझे क्या पता। ओ भाई यार, काश को लड़का इधर बैठता और मैं ऐसे उसके साथ चल रही होती साइकिल में, कितना अच्छा लगता ना। हाँ। तो भाई है झारखंड से, आ जाओ मेरे पास, मुझे साइकिल में बैठाना चला के। चलो ये लोग देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, एक वो साइकिल चला रही है और एक ये इतना शर्माती है, अभी बड़ी हो रही है ना। चल चलो चले फिर घर। तो गाइस हमारा व्लॉग होता है पूरा का पूरा एंड, बाकी व्लॉग अभी और बनाएंगे, अभी इस व्लॉग में हमें थोड़ा सा प्यार दो क्योंकि 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 क्या क्योंकि बोल, क्योंकि इससे अच्छा अच्छा और दिखाएंगे, अभी तो हम गाँव पहुँचे हैं। और आप हालत देख सकते हो, पूरी भिखारी जैसे हो चुकी है क्योंकि हम धूप से आए हैं, बहुत धूप से, बहुत, मैंने तो उल्टी भी कर दी थी, इसकी वजह से मैंने बाकी व्लॉग बनाया नहीं, वरना मुझे उल्टी हो गई थी, चक्कर आने लगे थे, तो मैंने व्लॉग वहाँ से स्टॉप कर दिया था। बाकी ये मुझे संभालने में लगी पड़ी थी, ये देखो बच्चों को देखो, यहाँ के बच्चों को, ओए आ जाओ आ जाओ, ये व्लॉग शर्माते हैं, वैसे आना तो सब चाहते पर शर्मा रहे हैं, यू नो शर्माले शर्मीले बच्चे। चलो फिर तो बाय, लव यू, सब्सक्राइब, लाइक शेयर, सब चल रहा है, ठोक के जय माता, ठोक के अभी हम जंगल में जाएंगे, उसका भी व्लॉग बनाएंगे, ठोक के बाय।